सो हेयर वी गो विदर वीडियो ऑफ़ द बायोलॉजिकल क्लासफिकेशन पहला वीडियो है दैट इज किंगडम मोनेरा पे और इंट्रोडक्शन पे उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है जाके देख लेना अपने सामने एनसीआर टी रखो विथ ए पैन और हाईलाइटर और नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो सो लेट स्टार्ट द वीडियो ओके किंगडम प्रोटेस्टा ऑल सिंगल सेल्ड यू कैरियस आर प्लेसड अंडर प्रोटेस्टा यहाँ पे इसको हाईलाइट करना सिंगल सेल्ड और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स ठीक है यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोट्स जो है ना उनको कहाँ रखा गया है किंगडम प्रोटेस्टा में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल याद रखना ये जो यू एक देखो सेल्स तो दो तरह की होती हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरटिक ये जो यूकेराटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इट स्टार्ट फ्राम प्रोटेस्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूकेराटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है दैट स्टार्ट फ्राम प्रोटेस्टा ओके वेल डिफाइंड इसमें क्या होते हैं देखो ये जो क्रीडम प्रोटेस्टा है इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए हैं इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लाजिलट्स यूगिलनाइट्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटेस्टा यहाँ पे आपको बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म इनमें इन्वॉल्व होती मतलब इंक्लूड होते हैं लाइक मतलब क्राइजोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट्स स्लाइम स्लाइमोल्ड्स एंड आर इंक्लूडेड इन इंक्लूडेड इन प्रोटेस्टा ओके मेंबर्स ऑफ प्रोटेस्टर दे आर प्राइमरली एक्वाटिक यानी उनका जो हैबिटेट है दे आर एक्वाटिक दे आर नॉट टेरेस्ट्रियल ठीक है दे आर प्राइमरली एक्वाटिक अच्छा इसको भी हाईलाइट करना एक्वाटिक को दिस किंगडम दिस किंगडम दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद दोज विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजे यानी इट फॉर्म्स लिंक ठीक है इट्स ए कनेक्टिंग लिंक कौन किंगडम प्रोटेस्टर बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजे एंड जो किंगडम प्रोटेस्टा से पहले और मतलब ऑर्गेनिजम्स होंगे ठीक है लाइक मोनेरा वगैरह ओके बीइंग यूकेराटिक बीइंग यू द प्रोटेस्ट सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखो यूकेराटिक में देखो यूकेराट्स जो है ना दे देव गॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ठीक है यूकेराट्स जो होते हैं ओके एंड दे हैव गॉट अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड मैमब्रेन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेलीज इसको भी हाईलाइट करना ओके सम हैव फ्लैजेला और सीलिया मतलब लोकोमोटरी <coughs> ऑर्गन जो होंगे दे मे बी फ्लैजॉर सीलिया इसको भी हाईलाइट करना दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली एंड सेक्चुअली दे हैव गॉट बोथ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्चुअल भी एसेक्चुअल भी इन्वाल्विंग फ्यूजन एंड जयगोड फॉर्मेशन ओके कमिंग टू द क्राइजोफाइट्स दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईटम्स एंड गोल्डन एल गोल्डन एल जो है ना उनको हम कहते हैं डेस्मिट्स भी यहाँ पे आप बिल्कुल एक पॉइंट याद रखना गोल्डन एल जो है क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एल मतलब वहाँ पे उन्होंने एल गी की एग्जाम्पल्स दी होंगी तीन और वहाँ पे उन्होंने लिखा होगा गोल्डन एन एल भी ऑप्शन ठीक है सो गोल्डन एल इज़ नॉट एन एल बट इट इज़ अ क्राइजोफाइट ठीक है ओके okay. इसको हाईलाइट करना दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर मतलब दे आर एक्वाटिक एक्वाटिक में होता है बहुत फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर दैट्स कि मैंने किँ पे लिखा है ए पी ए पी ए का मतलब इट्स दे आर फोटोसिंथेटिक ठीक है ओके दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिलीन वाटर करंट्स मतलब दे आर प्लेटनस ओके मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखा है पी ए पी मीन्स फोटोसिंथेटिक ए मीन्स एक्वाटिक एक्वाटिक इंक्लूड्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स द टू थिन ओवरलैपिंग शल्स बिल्कुल इसको हाईलाइट करना जो मैं पढ़ रहा हूँ विच फिट टुगेदर एज एज इन अ सोप बॉक्स द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिल्का देखो यहाँ पे किसकी डिपॉजिट होती है सिलका की एंड दस द वॉल्स आर इंडस्ट्री इंडस्ट्रक्टेबल अगर क्वेश्चन आएगा इन डाइटम्स देर वॉल्स आर इंडस्ट्री destructible, the, because because क्यों because they have got the deposition of silica, ठीक है because they have got the deposition of silica. option बहुत सारे दिए होंगे तो मतलब calcium carbonate भी दिया होगा, बहुत सारे options lignin दिया गया होगा, लेकिन इनमें कौन सा जो है किसकी deposition होती है silica की, ठीक है it's silica, it's not lignin, it's not any other compound, it's silica. okay, thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. ये भी पूछने मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि diatoms have left behind large amount of cell wall deposits. इन दियर हैबिटेड ड्यू टू इंडस्ट्रक इंडस्ट्रक्टेबल सेलवालस ठीक है ओके देर रिकोन्डेशन और बिलियंस ऑफ इयर्स रेफर टू एज अर्थ इसको भी हाईलाइट करना बींग ग्रिटी बींग ग्रिटी दिस सॉयल यानी डाइटोमेशस अर्थ इज़ यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स इन यूज को याद रखना और यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट है डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस ये अलग से सेपरेटली पूछा जा सकता है कि कौन जो है चीप प्रोड्यूसर्स ओशंस में होते हैं एक्जाम्पल आएगी डाई एटम्स दिस वॉज ऑल अबाउट द क्राइजोफाइट्स मैंने आपको मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बोला था कि ये जो लवर बॉटनी है या लवर जोलजी है इसमें ऑलमोस्ट हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है ठीक है दैट्स वाई कि मैंने हर एक लाइन को हाईलाइट किया है ठीक है अब यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट वर्ड ज़्यादा है उसको आप याद रखना अच्छे से ठीक है ओके कमिंग टू द डाइनोफ्लैजलेट्स ओके डायनोफ्लैजिलिट्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन दीज आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक बिल्कुल याद रखना दे अपियर येलो ग्रीन ब्लू अच्छा ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स मतलब दे दे आर डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल ठीक है अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलोसिक पलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस आउटर सर्फेस को याद रखना और सेल्योलोसिक को याद रखना आर सेलोसिक दे आर नॉट नॉन सेल्यूलोसिक दे आर सेल्यूलसिक पैलेट्स ऑन द आउटर सरफेस इट इज नॉट द इनर सरफेस इट इज द आउटर सरफेस एंड इट इज द सेल वॉल इट इज नॉट द सेल मेम्ब्रेन ठीक है बिल्कुल याद रखना द सेल सेलवालज सिट से सेलूलोसिक पैलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ओके मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजलॉ ये भी याद रखना वन लाइज लॉगिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फारो अच्छा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिट्स एग्जाम्पल है उसकी गॉनियोलिक gonyol गॉनियोलक्स ठीक है रेड डायनोफ्लैजिट्स अंडर गो रेपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी पियर रेड रेड ठीक है रेड टाइडस टॉक्जीज रिलीज बाई सार्ज लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेरी एनिमल्स सच एज फिश बिल्कुल इस पॉइंट को भी याद रखना ये जो गानियोलैक्स है गोनीोलैक्स जो है इट प्रोड्यूस मतलब वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रेड टाइड्स आर प्रोड्यूसड बाय एक्चुअल में रेड टाइड्स क्या होता है कि मतलब दे आर रेड दे आर मतलब रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द रैपिड मल्टीप्लिकेशन रैपिड मल्टीप्लीकेशन की वजह से वहाँ पे जो कलर आ रहा है जो सी का स रेड इसी को हम कह रहे हैं रेड टाइडसोड्यूसड बाई गोलेक्स और रेड डाइनोफ्लैज भी याद रखना दिस वॉज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैज कमिंग टू द युगिन ओके युगली नेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर यहां पर याद रखना पी एम पी मीन्स फोटोसिंथेटिक एम मीन्स मरीन ओके यहाँ पे आप याद रखना मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर दैट इज़ एफ एंड Uh, अच्छा ऑर्गेनिजम फाउंड इन स्टेगनट वाटर दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर ठीक है लेकिन जो क्राइजोफाइड जो थे दे वेर प्लैक्टन ठीक है दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर दे दे कॉल्ड प्लैक्टन ओके ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है wall, मतलब इन ऑफ सेल वॉल मतलब इनमें सेल वॉल नहीं होता है उसकी जगह क्या होता है कि दे हैव गॉट प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड ए पेलीकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल इट इज प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलीकल इट इज प्रोटीन रिच ठीक है इट्स नॉट कार्बन इड्रेट रिच रिच इट्स नॉट फैटी रिच इट फैट्स रिच इट्स प्रोटीन रिच ठीक है मतलब ये जो पेलीकल होता है इट मेनली कंटेन्स प्रोटीन्स ओके विच मेक्स देर बॉडी फ्लेक्सिबल क्वेश्चन आ सकता है कि यूग्लिनाइड जो होते हैं दे हैव गॉट फ्लेक्सिबल बॉडी इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल ठीक है ओके दे हैव टू फ्लैजला एक शॉर्ट और एक लॉन्ग ओके <clears throat> okay. दो दे आर फोटो सिथेटिक इन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दो दे आर फोटोसिनथिक इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट लाइट ऑब्वियसली बात है जब सनलाइट अवेलेबल होगी दे परफॉर्म फोटो अच्छा वेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हिटिरोट्राफ्स बाई प्रीडेटिंग ऑन अदर समॉर एनिमल्स ठीक है मतलब दे आर बोथ मतलब ऑटोट्राफिक एंड देर They act as both autotropes as well as heterotropes. Autotropes any yani photosynthetic in presence of light and in absence of light they act as heterotropes. As interestingly, the pigments of the euglenoids are identical to those present in the higher plants. Important point important point They have got the pigments, they are similar. Yani pigments of the euglenoids are identical or similar to those present in to those present in

स्लम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट दे आर सेप्रोफाइटिक ठीक है मतलब डिकम्पोजर्स द बॉडी मूवज अलॉन्ग एंड डेग एंड गल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल ऑर्गेनिक को याद रखना ठीक है जब सेप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म होता है वो यूजुली जो है ना मतलब ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज पे एक्ट करता है ठीक है ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज ऑर्गेनिक मटीरियल ठीक है एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल अंडर सूटेबल कंडीशन इट इज सूटेबल इट इज़ नॉट अन स्यूटेबल इसको बिल्कुल आप याद रखें देखो इट सूटेबल और मतलब इट इज़ सूटेबल और फेवरेबल भी कह सकते हैं क्योंकि अंडर फेवरेबल कंडीशन में अंडर मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं ये डिफरेंशिएट प्लाजमोडियम डिफरेंशिएट होता है लेकिन फेवरेबल कंडीशन में ये बन जाते हैं ठीक है देखो अंडर सूटेबल और फेवरेबल कंडीशन दे फार्म दे रेफर्स टू स्लमोस दे फार्म एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाजमोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड और सीवरल फीट इट इज़ सीविरल फीट सेवरल फ़ीट इट्स नॉट मीटर इट्स नॉट सेंटीमीटर इट्स सेवरल फ़ीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जो पलाजमोडियम जो बनता है ना फेवरेबल कंडीशन के दौरान अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान वो डिफ्रेंशिएट होता है एंड फार्मज फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्ज एट दियर टिप्स फार्मज फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्ज एट दियर टिप्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स द स्पोर्स पोजेस ट्रू वाल्स द पोजेस ट्रू वाल्स इंपॉटेंट पॉइंट देखो मैंने जो हाईलाइट किया है इसको भी आप हाईलाइट करना ठीक है मतलब इट मीन््स कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है देर एक्सट्रीमली रेजिटेंट एंड सर्वाइव फार मनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडिशन बिकॉज दे पोजेस ट्रू वाल्स ठीक है एंड देर रेजिटेंट एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मनी ईर्यर्स इवन अंडर एडवर्स आर एक्सट्रीम कंडिशन द स्पोर्ज आर द स्पोर्स आर डिस्पोसड बाई एयर करंट्स इसको याद रखना एयर करंट्स इट्स नॉट इट्स नॉट वाटर करंट्स इट्स एयर करंट्स ठीक है एयर करंट्स दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्डस ओके कमिंग टू द पोटोज वन ल प्रोटोजोन्स आर हेटीरोट्रॉप्स मतलब जितने भी प्रोटोजोन्स हैं दे आर हेटीरोट्राफ्स एंड लिव एज प्रडेटर्स आर पैरासाइट्स प्रिडेटर्स और पैरासाइट्स इसको भी याद रखना दे आर बिलीव टू बी द प्रमिटिव रिलेटिव ऑफ़ एनिमल्स इसको भी हाईलाइट करना दे आर कसिडर्ड मतलब विच इन द फॉलोइंग ऑर्गेजम्स आर बिलवड और कंसिडर टू बी द प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स इस पर आंसर आएगा प्रोटोजो अब इसके मेजर चार ग्रुप्स होते हैं एम्बीबायड प्रोटोजोन्स फ्लैजलेटिड और सीलिएटेड एंड सीलिएटेड एंड सुपोरजोन्स ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द अमीबायड प्रोटोजोन्स ओके अमीबॉयड प्रोटोजोन्स दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर सी वाटर मॉइस्ट वाटर ज़रूरी नहीं है ये याद रखना लेकिन इंपॉटेंट पॉइंट ये है दे मू एंड कैप्चर दे मू एंड कैप्चर दे मू एंड कैप्चर दियर प्रे बाई पुटिंग आउट सीडोपोडिया यानी फॉल्सफीड बिल्कुल आप याद रखना मतलब सीडोपोडिया जो है ये लोकोमोटिव ऑर्गन भी एक्ट करता है एंड हेल्प्स हेल्प्स इन देयर लोकोमोशन में भी मदद करता है एंड कैप्चरिंग um, किस में प्रे मतलब प्रे को कैप्चर करने में भी मदद करता है कौन सीडोपोडिया मतलब किन में अमीबर्ड प्रोटोजोन्स में एज इन अमीबा एम बाई इज़ द एग्ज़ाम्पल मेरन मेरीन फॉर्म्स हैव सिल्का शल्स ऑन देयर सरफेस दे हैव सिल्का शल्स ठीक है यहाँ पे दो टर्म्स आ गई देखो सिलिका दो जगह एक तो आ गया यहाँ पर मेरीन फार्मस ऑफ एमीबॉयड प्रोटोजोन्स देव सिल्का शल्स ऑन देयर सर्फेस और दूसरा कहाँ पे आ गया क्राइजोफाइट्स में डाईटम्स में ठीक है सिलिका की डिपॉजिट होती है उन, उनके सेल वॉल्स में ओके सम ऑफ देम सच एज एंटेमिबा आर पैरासाइट सो एंटामिबा इज़ द पैरासिटिक फॉर्म ऑफ पैरासिटिक फॉर्म ऑफ एमीबॉयड

actively moving organisms actively moving is like they have got they have got cilia Achha, because the, of the presence of thousands of cilia Theek hai? because of the presence of thousands they are actively moving organisms they have a cavity or gullet Theek hai? cavity or gullet that opens to the outside of the cell surface outside is very important outside of the cell surface okay the coordinated movement of the um, rows. ऑफ सीलिया काज इज द वाटर लीडन विथ फूड टू बी स्टेड इन द गलेट एगजाम्पल पैरामीशियम यहाँ पे याद रखना कि मतलब दे हेव गट द कवटिक गिलेट एंड दिय एक्टेम आर्गनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस थाउज़ेंड्स ऑफ सीलिया एगजाम्पल याद रखना दट इज़ पैरामीशियम ओके स्पोरोजोन्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉटेंट मतलब पॉइंट आने वाला है दीज इंक्लूड डाइवर्स ओके देव द इनफेक्शस इनफेक्शस स्पोलाइक स्टेज इन दिवर लाइफ साइकिल द मोस्ट लोटोरियस इज प्लमोडियम दैट इज मियल पैरासाइट which causes malaria Matlab, Plasmodium jo hai, that is the Malarial Parasite which causes Malaria hai. they have the infectious spore like stage in their life cycle Plasmodium hai. so Malarial Parasite that is Plasmodium they have got the infectious spore like stage in their life cycle Achha, that has uh, which has staggering effect on human population this was all about the Kingdom Protista. now I will be talking about Kingdom Fungi